छोड़ा कि मुसलमानों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। त्रिपुरा के मुसलमानों पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीएचपी डाउन 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 डाउन। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। आरएसएस डाउन 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 डाउन। बीजेपी डाउन 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 डाउन। नीला झंडा लाल सितारा, नीला झंडा लाल सितारा। लाल का मतलब इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। त्रिपुरा में पिछले एक हफ्ते से मुसलमानों के ऊपर कंटिन्यूसली जुल्म हो रहा है। वहाँ पर मुसलमानों के मस्जिदों, घरों और उनके दुकानों को जलाया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से आरएसएस बीएचपी के गुंडे अपना दहशतगर्दी वहाँ पर दिखा रहे हैं, कंटिन्यूसली वहाँ पर अटैक कर रहे हैं और पुलिस वहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। ये आरएसएस कंटिन्यूस मुसलमानों के दुकान जलाकर और फुल पुलिस का सपोर्ट के साथ वहाँ पर ये जुल्म चल रहा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे स्टेट लेवल पे आज ये जुल्म के खिलाफ कंडेम करने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। और हम देखते हैं ये जो जुल्म हो रहा है इसी तरीके से हमेशा ये हुआ है। गुजरात हो या दिल्ली हो, जब भी फसादात होते हैं इस तरीके से वारदात पेश आते हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरीके की एक घिनौनी हरकत हो रही है, जिसको ना कोई मीडिया बता रहा है, ना कोई पॉलिटिकल जो अपने आप को सेकुलर बोलने वाले कोई भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, खामोशी से ये तमाशा देख रहे हैं। तो हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारे स्टेट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सारे लोगों को अवेयर कर इसका कंडेम करते हैं और ये हुकूमत से डिमांड करते हैं कि ये सारे आरएसएस बीएचपी के टेररिस्टों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर यूएपी लगाकर उन्हें अंदर डाला जाए। ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ के, तो उसको एक बहाना बनाकर यहाँ पे यहाँ के वीएचपी और आरएसएस के लोग जो है उसको बहाना बनाकर यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी बांग्लादेश पे 4000 लोगों पर उसके खिलाफ एफआईआर हो चुका है, अरेस्ट किया गया है। वहीं हम ये यहाँ पे कंट्री में देखते हैं कि उसके खिलाफ कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, ना उनके पुलिस रोक रही है, उल्टा मुसलमानों को आकर खामोश रहने की बात कर रही है। ये एक फैसिज्म के तरफ जाते हुए खुलेआम दिख रहा है ये कंट्री। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि वो सारे लोगों के ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए, वो वायलेंस को रोक कर उन्हें अरेस्ट किया जाए। आज हम यहाँ पे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा के जानिब से यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं। हम ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है बोले तो, जो त्रिपुरा में एक हफ्ते से जो वहाँ पे हिंदुत्व वायलेंस चल रहा है उसके खिलाफ में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया है। उसी जमन में आज हमने गुलबर्गा में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। हम देख रहे हैं 21 जगह से ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस चल रहा है। 12 मस्जिदों को टारगेट किया गया है, 12 मस्जिदों पर हमले किए गए हैं, उसमें 3 मस्जिदें टोटली डिस्ट्रॉय किए गए हैं और उसमें एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। इसमें हमें खुला दिख रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। क्यों बोले तो 24 घंटे से ज़्यादा हुआ तो स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, ना स्टेट एक्शन ले रहा है ना पुलिस एक्शन ले रहा है। जब मुसलमान एक जगह जाके जब मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जब पुलिस आके क्या बोल रही है, जाइए आप घर में बैठिए हम उसको संभालेंगे, आप एक हफ्ते से नहीं संभाले आप क्यों ऐसा संभालेंगे बोल के जब लोग पूछ रहे हैं तो पुलिस बोल रही है हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है। जब 7 दिन से ये जो वायलेंस चल रहा है यहाँ पे कुछ पुलिस बुला के एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, मगर ना पुलिस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है ये वायलेंस को रोकने में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का है, ना ही नेशनल गवर्नमेंट का है। हमारी ये डिमांड है कि वो वायलेंस को जल्द से जल्द रोका जाए और जो रैलीज निकल रहे हैं बड़े बड़े उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ में नारे लगाए जा रहे हैं और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बारे में गलत गलत नारे लगाए जा रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि ये वायलेंस को रोका जाए और जो ये चीज़ कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जाए। अगर ये वायलेंस नहीं रुकता है और ये रैलीज नहीं रुकते हैं तो हम आगे चल के बड़े प्रोटेस्ट करेंगे और ये जो आगे हम बड़े प्रोटेस्ट करके इसको हम रोकेंगे। मेरा नाम शोएब इलिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। पिछले 5-6 दिनों से जो त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं और जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और वीएचपी के झंडे उस पर मस्जिदों पर लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज गुलबर्गा में मुस्लिम चौक पर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। और इस एहतजाज के ज़रिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो भी इन हमलों में मुलव्विस हैं, जो भी मुल्क की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं,
उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो माइनॉरिटीज़ पर हुआ, हालांकि जहां भी जो जुल्म होता है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन बांग्लादेश में हुआ इसलिए आप हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों पर अटैक करते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। और बांग्लादेश में वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने उसकी मजम्मत की और जितने भी लोग थे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी उन्होंने कही। लेकिन अफसोस कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े हादसे पर खामोश है और वो कुछ कह नहीं रहे हैं। हम डिमांड करते हैं मोदी जी से भी कि आप इस ताल्लुक से कुछ कहें। और बांग्लादेश में, बांग्लादेश का बहाना बनाने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक, लेकिन हिंदुस्तान में जो त्रिपुरा में हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसके बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर पुलिस इसको रोकने में नाकाम है, पुलिस कहती है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, तो इंडियन आर्मी को वहाँ बुलाया जाए। और अगर वहाँ की हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा की, उसको रोकने में नाकाम है तो गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज हम कैंपस फ्रंट की जानिब से ही डिमांड करते हैं कि तमाम जो उसके जिम्मेदार है उनको अरेस्ट किया जाए और मुल्क के अमन-अमान को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। खुदा हाफिज़।